सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा कमाल का फीचर जो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर होता है और वो फीचर हम यूज़ नहीं करते। हमें लगता है यार काफ़ी डिफिकल्ट सा फीचर है, हमें उसको यूज़ करने का प्रॉपर आइडिया और मैथड पता नहीं होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। जैसा कि सामने आप पिक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, इसको भी हम करेक्ट करेंगे, इसकी भी हम एडजस्टमेंट्स करेंगे उस टूल के अकॉर्डिंग ही, मीन्स कि उस फीचर्स को यूज़ करेंगे और देखते हैं किस तरह कि हमें पिक्चर देखने को मिलती है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी एक पिक्चर है जिसमें लड़की की फोटोग्राफ क्लिक कर रही है, ठीक है। अब आपको राइट साइड पे कुछ टूल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब आपने जाना है सिंपली जो लाइट सी बनी हुई, जो सन सा बना उस पर क्लिक करना आपने। तो क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज, ठीक है। और आपको एक ऊपर राइट साइड पर दिख रहा होगा कर्व्स करके, यही है हमारा आज का मेन टूल जिसको हम स्किप कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, सीधा आते हैं लाइटरूम के अंदर, पिक्चर इंपोर्ट की, ठीक है, हाइलाइट्स को एडजस्ट करा, ठीक है, एचएसएल पे चले गए, मीन्स की कलर ग्रेडिंग करने लगे और हमें लगता है यार पिक्चर में वो लुक नहीं आ रही जो उसकी पिक्चर में है। तो यही बात है कि हम कर्व्स को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे कर्व्स वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे, और हमारे पास कुछ इस तरह का सेक्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, राइट साइड पे आपको कुछ कलर्स दिख रहे होंगे, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और ये आरजीबी चैनल्स हैं, मीन्स की कलर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा कि आरजीबी चैनल्स, कलर्स वगैरह, ठीक है। सिंपली वे मैं बोलूँ तो ये कुछ कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और सेंटर में आपको कुछ ग्राफ सा दिख रहा होगा, स्लाइडर है, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है और बिल्कुल नीचे एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं जूम करूँ कुछ इस तरह से, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये कुछ स्लाइडर्स है, ठीक है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करूँ, इसका जो मतलब कि लाइट है, ब्राइटनेस है, उसको बढ़ाऊँ, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको पॉइंट को यहाँ से लूँगा, बिल्कुल नीचे वाला आपने लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ से लेके जाके अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये देखिए लाइटनेस आनी स्टार्ट होगी, ठीक है, ब्राइटनेस आ रही है फोटो में, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को नीचे की तरफ मतलब लेके आता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो ये देखिए लाइट कम हो रही है। तो ये एक स्लाइडर का काम करता है। अब कर्व्स का क्या मतलब है, अब आप देखिए, ठीक है। अब जैसा कि अगर आप पिक्चर में कुछ कुछ जगहों पे चाहते हैं कि वो चीज़ हाईलाइट हो और वही चीज़ ज़्यादा दिखे, उस पर विजन हमारी बैठे, तो कर्व्स उसी का ही काम करते हैं, ठीक है। तो कर्व्स काफ़ी अच्छा है, मीन्स कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 90% लाइटरूम आ गया समझो, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसको मैं जूम करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसमें आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है आपको क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप इस पर डॉट ऐसे लगा देते हैं तो ये देखिए पिक्चर हमारी ख़राब हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है यार कि ये बेकार का टूल है, इसको यूज़ ही नहीं करते, पर यार कमाल का टूल है। अभी मैं रिजल्ट्स आपको शो करूँगा। सबसे पहले इसको अंडू कर देंगे, ये एरो जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रीडू और अंडू का ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल अपनी फर्स्ट वाली सेटिंग्स पे ले जाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये मेरी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी इसमें मतलब कि पिंकिश टोन आए, थोड़ी सी वार्म मतलब इफेक्ट आए, तो सिंपली अभी मैं वाइट वाला जो हमारा ऑप्शन है इसको नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पे आपको रेड वाला दिख रहा होगा, रेड पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, ये वाइट पे क्लिक करते हो तो वाइट लाइन है, इट मीन्स कि आप इसकी ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को सेट कर सकते हैं इस फीचर से। अगर आपने कलर्स के ऊपर काम करना है, कलर ग्रेडिंग करनी है इस पिक्चर के ऊपर या कोई भी पिक्चर आपके पास है, तो आपने जाना है ये कलर्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है। सबसे पहले मैं जाऊंगा रेड पे, रेड पे जाने के बाद सिंपली क्या करेंगे, सेंटर पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग आप कहीं भी पॉइंट लगा सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे सही लग रहा है तो आप पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बिल्कुल सेंटर में क्लिक करा है। अब आप चेक करना स्क्रीन पे, अगर मैं इसको नीचे मतलब कि नीचे की साइड लेके आता हूँ कुछ इस तरह से, तो मेरी पिक्चर ग्रीन मतलब ग्रीन टोन में आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये देखिए मेरी पिक्चर में थोड़ा सा रेडिश टोन आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इसको मैं करता हूँ जूम थोड़ा सा,
अब आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा इंपैक्ट चेंज हुआ है, ठीक है। तो रेड करने के बाद मींस कि रेड को यूज करने के बाद हम जाएंगे ग्रीन के ऊपर, ठीक है, और ग्रीन पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपके पास सिंपली वैसा ही स्लाइडर आ जाएगा, वैसी ग्रीन लाइन आ जाएगी जैसे रेड की तरफ आई थी, ठीक है। अब सिंपली आपने क्या करना है, यहां भी आप एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, मुझे जहां पे सही लग रहा है मैं वहीं पर पॉइंट लगाऊंगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा ऊपरली साइड लेके जाता हूँ तो ये देखिए ग्रीन हो रही है, और अगर मैं निचली साइड इसको लेके आता हूँ थोड़ा सा तो रेडिश टोन पे आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आऊंगा, जस्ट लिटिल सा, और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा ब्लू वाले ऑप्शन पे, ठीक है, ब्लू कलर पे, उस पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो क्लिक करने के बाद आपके पास सेम वैसी लाइन आ जाएगी, वैसे स्लाइडर आ जाएगा जैसा ग्रीन की तरफ आया था, ठीक है। अब जो ब्लू वाली लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप कुछ इस तरह से पॉइंट लगाते हैं बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, तो इसको अगर ऊपर करेंगे तो आपकी जो मतलब पिक्चर उसमें ब्लू स्टोन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे कुछ इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं इसको थोड़ा सा काफी नीचे लेके आऊंगा, कुछ इस तरह से ले जाऊंगा, और कुछ इतना का रख दूंगा मैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए अभी फिलहाल इसको मैं डन कर देता हूँ, और डन करने के बाद आप देख रहे हैं कि पिक्चर में जो एक कॉन्ट्रास्ट है, जो उसकी बूस्ट है, कलर्स की जो वैल्यू है, वॉल्यूम है, वो कितनी ज्यादा आ गई है, ठीक है। सिंपली आप देखेंगे इसको मैं पहले रीडू करता हूँ, सबसे पहले ये देखिए ये बिफोर थी हमारी, ठीक है, और ये आफ्टर होगी, ठीक है, बिल्कुल चेंज हो गया। फिलहाल अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, फिर से हम जाएंगे कर्व्स वाले सेक्शन के ऊपर। फिर से मैं बता दूं, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सन वाला ऑप्शन है, लाइट वाला, इस पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपको ऊपरली साइड राइट साइड पे कर्व वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। ये हिडन थोड़े से टूल होते हैं, इसको आपको आना चाहिए यूज करना, ठीक है। फिर से जाऊंगा कर्व वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है, और सिंपली मैं जाऊंगा व्हाइट वाले के ऊपर, ठीक है, व्हाइट वाला जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा है हाईलाइट्स शेडोज, ठीक है, जो क्लैरिटी वगैरह उसको एडजस्ट करता है ये स्लाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं अपनी पिक्चर्स में थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक लाना, ठीक है, फेडेड लुक लाना, थोड़ी सी अच्छी सी मतलब पिक्चर आपकी लगे, थोड़ी सी यूनिक सी लगे, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं बिफोर करता हूँ, तो कुछ इस तरह की हमारी पिक्चर थी, ठीक है, मैंने कुछ भी यूज नहीं करा है, ठीक है, ना मैंने एक्सपोजर को सेट करा है, ना ही मैंने हाईलाइट्स को यूज करा है, सिंपली मैं कर्व्स वाले सेक्शन पे मैंने जो है उसको यूज करा है, और आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो व्हाइट वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली एक डॉट लगाएंगे यहाँ पे, सेंटर पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। और ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर्स में मतलब कि सिनेमैटिक लुक आए, ठीक है, थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा लगे, फेडेड सी लुक आए, तो यही चीज़ आपने करनी है, रिकमेंड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर पे एक डॉट लगा लिया, ठीक है, उसके बाद नीचे आना आपने कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा देना एक डॉट, ठीक है, कुछ इस तरह से डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि तीन डॉट लग चुके हैं हमारे, ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो बिल्कुल नीचे वाला है, जो बिल्कुल बॉटम में आपको दिख रहा होगा, उसको इंक्रीज कर देना ऊपर की साइड, ठीक है, कुछ इस तरह से लेके जाएंगे, यहां से लेंगे ये वाला जो नीचे वाला है, मैं जूम करता हूं पहले, और यहां से इसको कुछ इस तरह से ले आएंगे, कुछ इस तरह से, ये इतना मैं रख देता हूं, ठीक है। रखने के बाद अब क्या करना, आपने सिंपली बीच में इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल नीचे है उसके बीच में एक डॉट लगा देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और डॉट लगाने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पहले की पिक्चर एक बार देखते हैं किस तरह की हमारी पिक्चर थी, तो ये देखिए बिफोर थी हमारी और ये आफ्टर हो गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और मतलब कि फेडेड लुक आए, तो सिंपली फिर से आप जाएंगे कर्व्स वाले सेक्शन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से जो बिल्कुल नीचे वाला है, जो सेंटर वाला डॉट है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ऊपरली साइड, और ये जो हमारी बिल्कुल एंड पे डॉट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका इम्पैक्ट और ज़्यादा आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है, कुछ इस तरह से। डन करते हैं यहाँ से, और रिजल्ट्स आपके सामने है, ठीक है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो अगर आपने लाइटरूम नया नया यूज करना स्टार्ट करा हो, अगर आपको नहीं पता कि प्रॉपर कैसे यूज करना है, तो मैं आपको टिप देता हूं यार, सिंपली जाओ यार, बाहर आओ सबसे पहले तो, ठीक है, उसके बाद जैसे कि लाइटरूम ओपन हो जाएगा, उसके बाद जाना अपने लाइट वाले सेक्शन पे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कर्व्स पे क्लिक करना है, और यहीं पे आपका मोस्टली काम खत्म हो जाएगा यार। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको कलर ग्रेडिंग नहीं आ रही, सिंपली आपने यहाँ पे काम करना है कलर्स वाले सेक्शन पे, ठीक है, बिकॉज ये हर कलर एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो उसका ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्टली कलर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो व्हाइट वाला सेक्शन है उसको क्लिक करके यहाँ पे आपने कुछ भी यूज कर देना, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ भी इस तरह से आपने यूज कर देना है, और यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं उसका रिजल्ट
सो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है और एक सिंपल सा टूल जो आपको लगता था बहुत ही डिफिकल्ट है अब आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और कितनी सही कलर ग्रेडिंग करता है कर्व्स को यूज करके देखो यार, आप बोलोगे कि यार बहुत ही सही तरीका बताया मैंने। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।